वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन पॉइंट विला। और फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल के किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय और हमारे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये हम ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के स्टार्ट होने से शुरू हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये महामारी जो है वो चाइना से फैली है, और चाइना से फैलने के बाद ये 212 कंट्रीज़ में थ्रू फ्लाइट्स के द्वारा चली गई, उसमें भारत भी शामिल है। और जैसे कि बाकी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन लगाया, तो भारत ने भी नेशनल लॉकडाउन की घोषणा कर दी और नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके बाद सेकेंड लॉकडाउन लगाया गया। इन लॉकडाउन को लगाने का एकमात्र उद्देश्य जो था, वह एक तो हॉस्पिटल्स में पेशेंट केस लोड को कम करना था, और सेकेंडली कोरोना वायरस को स्प्रेड फैलने से रोकना था। इसका दूसरा कारण ये था कि अगर ये महामारी मास स्केल पर फैल जाती तो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो, जो कि पहले से ही पिछड़ी हुई है, वो इस महामारी का सामना करने में असफल सिद्ध होती। दोनों लॉकडाउन के दौरान हमारी जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और अदर सेफ्टी मेजर का भी यूज़ किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बीमारी जो थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। परंतु इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इन लॉकडाउन्स की सफलता जो है वो पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन और उसकी टेस्टिंग मास स्केल पर की जाए, जो टेस्टिंग 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 हो। दोस्तों, ये बात गौर करने वाली है कि हमारे भारत देश, जिसकी आबादी 1,37,00,00,000 है, वहाँ पर करीबन 13,00,000 टेस्ट ही अब तक हुए हैं, कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही कम हैं। अब 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें कि तीसरा लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें कि 3 जोन डिवाइड किए गए, 1st रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। रेड जोन में इसे पूर्ण रूप से लॉकडाउन की स्थिति में ही रखा जाएगा, इसमें एक्टिव केसेस होने के कारण इसे इस स्थिति में रखा जाएगा। दूसरा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में कुछ एक छूट दी जाएंगी और समय अवधि को ध्यान में रखते हुए। ग्रीन जोन में सभी फैसिलिटीज़ को खोल दिया जाएगा, सिवाय कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के। दोस्तों, अब ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि अगर हम ग्रीन जोन में आते हैं या फिर ऑरेंज जोन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से आने वाले 2-3 महीनों तक पालन करना है, क्योंकि इस महामारी का लड़ने का एकमात्र ही सुरक्षा चक्र है, जो कि है हमारे सेफ्टी मेजर्स, मास्क पहनिए और बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोइए। ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस पेंडेमिक और इस महामारी से बच सकते हैं और इस महामारी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप ये ना समझे कि अगर हम ग्रीन जोन में आ गए हैं या ऑरेंज जोन में आ गए हैं तो हम सेफ हो गए हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी उस एरिया की या फिर उस स्टेट की, फुल टेस्टिंग नहीं होगी, तब तक आप कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि हम कोरोना फ्री हो गए हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए कि अगर हम ग्रीन जोन में आ गए हैं, हमारा एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ गया है, तो इस बात से आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि ये बीमारी इतनी वाइडर में फैल चुकी है, जैसे कि आप बाकी कंट्रीज़ का हाल देख रहे हैं कि विदेश से उठ के यह इंडिया में पहुंच गई है, और इंडिया से पहुंच के गांव-गांव तक पहुंच गई है, केसेस सामने आ रहे हैं। तो अगर हमारा एरिया ग्रीन जोन में आ गया है तो हम ये समझ रहे हैं कि हम सेफ हो गए हैं, ऐसा नहीं है।
अदर स्टेट से भी काफ़ी लोग लाए जा रहे हैं, और अगर उनकी मास स्केल पर टेस्टिंग नहीं होगी, अगर आपके एरिया की टेस्टिंग नहीं होगी, स्टेट की टेस्टिंग नहीं होगी, तब तक हम अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम कोरोना फ्री हो गए हैं। इसीलिए आप अपने सेफ्टी मेज़र जो कि मास्क और बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोना, इन बातों का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि हम इस पेंडेमिक, इस महामारी को जड़ से उखाड़ सकें। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, 20 सेकंड तक हाथ धोना, ये एकमात्र हथियार है इस पेंडेमिक और महामारी को जड़ से उखाड़ने का। इसीलिए इसको अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि 2-3 महीनों तक ये जारी रहेगा या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप अपनी इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, सेफ्टी मेज़र का यूज़ करें, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से उखाड़ सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, उससे लोग केयरफुल हों, जागरूक हो सकें। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बी केयरफुल, इस वीडियो से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके उसकी जान बचाएँ। धन्यवाद।